सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको मिलते रहे हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं दर्शन ठक्कर और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज पल्सर 220F 2019 मॉडल के बारे में जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट मतलब बात करने वाले हैं कि इसके अंदर ABS है या नहीं और क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों इसी वीडियो में हम सब चीज़ें देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस डेली बेसिस पर लाते हूँ। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं मेरे चैनल रिलेटेड अपडेट्स जो है वहाँ पर पोस्ट करते रहता हूँ तो आपको वहाँ से भी देखने के लिए आसान होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप मैं बात करूँ चेंजेस की तो इस बाइक के अंदर सिर्फ दो ही बड़े चेंजेस है। एक तो पहला ये है कि आपको जो नीचे इंजन है वहाँ पे एक इंजन क्राउन मिल जाता है यानी कि छोटा सा कवर टाइप, और इससे थोड़ा सा प्रोटेक्शन बढ़ जाता है इंजन का। और अगर बाय चांस अगर बाइक गिरती भी है तो इंजन को जो थोड़ा सा प्रोटेक्शन रहता है और ये थोड़ा सा जो है लुक्स को भी एनहेंस कर देता है, थोड़ा लुक भी इसका वजह से अच्छा आता है बट ज़्यादा कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। और सेकेंड अगर चीज़ बात करूँ तो वो है इसका जो कुशनिंग वगैरह है वो थोड़ा सा सॉफ्ट किया गया है। और मतलब मैंने देखा तो थोड़ा सा ही सॉफ्ट किया गया तो पहले से अच्छा है बट इतना भी अच्छा नहीं है। और तीसरे चेंजेस की अगर बात करूँ तो वो है इसका स्टिकरिंग और ग्राफिक्स, और ग्राफिक्स में भी जो है ना बड़े चेंजेस नहीं है। जो पहले का मॉडल था उसके ऊपर भी आपको रेड ग्राफिक्स मिलते थे, इसके अंदर भी रेड है बट थोड़ा सा जो है चेंजेस किया गया है। तो अगर आप दोनों को साइड में रख के देखते हो तो आपको एकदम थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। इसको छोड़ के बाइक के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, वही बाइक है, वही इंजन है, वही पावर है, वही पल्सर 220F है। और अभी बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसके अंदर ABS है या नहीं है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो है ABS नहीं है, हालांकि बहुत से लोग एक्सपेक्टेशन मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस मॉडल में ABS आ जाए बट पता नहीं अभी जो है बजाज है इसके अंदर ABS क्यों नहीं दिया है। और रिसेंटली जो है बजाज पल्सर 220F ये टेस्ट करते हुए भी दिखी थी यानी कि ABS वाला मॉडल, उसके भी फोटोज सामने आए थे, वो भी न्यूज़ लीक हुई थी, लेकिन फिर भी जो है इसके अंदर अभी तक ABS नहीं आया है। तो हो सकता है कोई टेक्निकल रीज़न की वजह से ना आया, बट अभी 150cc के ऊपर सभी बाइक्स में आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि इस बाइक में भी जल्दी आ जाएगा बट कब तक आएगा अभी ये देखना पड़ेगा क्योंकि रिसेंटली मॉडल जो है अपडेट हुआ है। तो बस दोस्तों ये एक छोटी सी न्यूज़ थी आप सभी के लिए और बाकी आप देख लीजिए, मैं बाइक का एक वॉक अराउंड दे देता हूँ। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको कोई भी रीज़न के लिए अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।